और अब एक खास बात, आरजी रामझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हुरीना चतुर्वेदी। राजनांदगांव के छुई खदान वार्ड नंबर 3 में वाटर प्लांट लगे 6 से 8 माह हो गया है, जो अब तक चालू नहीं हुआ है, जिसके चलते नगर वासियों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। वार्ड नंबर 3 के पार्षद बन्ना मनावी ने बताया कि वाटर प्लांट को लगे लगभग 6 से 8 महीने हो गए हैं, जो कि अभी तक चालू नहीं हुआ है। पार्षद ने जब नगर पंचायत अधिकारी सीएमओ से बात किया, तब नगर पंचायत अधिकारी सीएमओ ने कहा कि हमारे पास अभी पावर प्लांट के विद्युत कनेक्शन के लिए फंड नहीं है, इसलिए इसे स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। पार्षद ने यह भी बताया कि कोई इसके देखरेख के लिए भी नगर पंचायत से कोई भी आते नहीं है, जबकि छुई खदान में आरओ वाटर प्लांट 2 लगाए हुए हैं, जो कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने निधि से लगवाया है। वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 14 में लगवाया गया था। जो आरओ वाटर प्लांट हॉस्पिटल में लगवाया गया है वह चालू हो गया है, लेकिन वार्ड नंबर 3 का आरओ वाटर प्लांट अब तक चालू नहीं हुआ है। जब से स्टार्ट हुई है 6 महीने हो गया है। स्टार्ट करने के बाद, चेक वेक करने के बाद रेडी हो गया, उसके बाद से ये मुख्य नगर पंचायत अधिकारी सीएमओ के द्वारा कहा गया है कि यहाँ विद्युत कनेक्शन के लिए अभी हमारे पास फंड नहीं है करके। अब देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रकाशन के बाद वाटर प्लांट चालू होता है कि नहीं। छुई खदान से पारस मणि भारती के साथ अजय साहू की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।